हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं कैलेंडर का पार्ट थर्ड, समान महीने वाले प्रश्न। समान महीने से कैसे प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से महीने समान होते हैं, ठीक है, किस किस महीने के दिन समान होते हैं, दिन समान इन द सेंस 30 और 31, वो सब नहीं, ये हमारे कोड के अकॉर्डिंग जिससे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो दो टाइप के हम ईयर लेंगे, एक नॉर्मल ईयर जनरल सामान्य वर्ष और एक लीप ईयर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं सामान्य वर्ष की। तो सामान्य वर्ष में देखिए, ये जो कोड होते हैं मंथ के, ये सामान्य वर्ष के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब जब लीप ईयर के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो क्या हो जाता है, इन दोनों में 1 माइनस हो जाता है, यानी कि लीप ईयर में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये 3, और बाकी का क्या होगा, वही सब कोड सेम होगा। कोड याद करने का तरीका हर चीज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो इन सब में बता रखा है, और दोनों वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे, आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है फर्स्ट और सेकंड, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी पार्ट फोर्थ है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टाइप है समान महीने वाले प्रश्न। अब देखिए, इसमें समान वर्ष में किस किस महीने के दिन समान होते हैं, ठीक है। तो पहले आप देखिएगा जनवरी, जनवरी किसके समान आएगा, अक्टूबर के, जनवरी अक्टूबर के समान आएगा, ठीक है। फरवरी देख लीजिए, 4 कोड किसी का है, हाँ फरवरी मार्च, तो फरवरी मार्च और साथ में नवंबर, इनके दिन समान होते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि समान वर्ष में कौन से 3 महीने ऐसे हैं जो समान होते हैं, तो आपके 3 महीने फरवरी मार्च और नवंबर, ठीक। अब इसके बाद अप्रैल देखते हैं, अप्रैल किसके इक्वल बनेगा, तो अप्रैल इक्वल बनेगा आपकी जुलाई के, दोनों का कोड 00 है, ठीक। अब इसके बाद सितंबर बचा, तो सितंबर आपका बन जाएगा दिसंबर, ठीक। ये वो महीने हैं जो दूसरे महीनों के समान होते हैं सामान्य वर्ष में, ठीक। और कुछ ऐसे महीने हैं जैसे हो गया आपका जून, ठीक है, अगस्त, जून अगस्त, और एक कोई महीना बचा अप्रैल हो गया, मई हो गया, मई, ये 3 महीने सामान्य वर्ष में ऐसे होते हैं जो किसी भी महीने के समान नहीं होते। तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि सामान्य वर्ष में कौन सा ऐसा महीना है या कौन से ऐसे महीने हैं जो किसी भी महीने के समान नहीं है, किसी भी महीने के दिनों के समान नहीं है। तो वो हमारा हो जाएगा जून अगस्त मई, मई जून अगस्त, ये 3 महीने हैं, बाकी सितंबर दिसंबर के इक्वल, जनवरी अक्टूबर के इक्वल, फरवरी मार्च नवंबर तीनों इक्वल, और अप्रैल जुलाई इक्वल। ये बात थी सामान्य वर्ष की। अब हम जब बात करेंगे लीप ईयर की, ठीक, तो लीप ईयर में हमको क्या करना है, लीप ईयर में कुछ भी नहीं करना है, 0 और 3, यानी कि इसमें 1 सेपरेट कर देगा, उसमें लीप ईयर के कोड आ जाएंगे, ठीक, बाकी के कोड सेम होते हैं। तो लीप ईयर में जनवरी का कोड इक्वल हो जाएगा अप्रैल के और जुलाई के, तो ये लीप ईयर में 3 मंथ आपके इक्वल होंगे, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये लीप ईयर में, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीप ईयर में कौन से ऐसे मंथ हैं जो इक्वल हैं, तो जनवरी अप्रैल जुलाई, डे के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। अब इसमें आएगा जनवरी के बाद आप फरवरी देखिए, फरवरी 3 कोड है, तो अगस्त का 3 कोड है, ठीक, तो फरवरी और अगस्त ये इक्वल होंगे लीप ईयर में। मार्च देखिए, मार्च का 4 कोड है, तो मार्च और नवंबर ये इक्वल होंगे,
ठीक, अप्रैल हो गया, मई हो गया, मई नहीं हुआ तो अब देखिए मई लिखिए, जून लिखिए, ठीक, और कौन बचा? हाँ यहां पे भी सितंबर आएगा, सितंबर, सितंबर किसके इक्वल हो जाएगा? दिसंबर के, ठीक है। तो अब हमारा बचा जो है अक्टूबर, मई जून कामा अक्टूबर, ये महीने लीप ईयर में किसी भी महीने के इक्वल नहीं होंगे, ठीक। तो ये तो समान महीने से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल पॉइंट थे, ठीक है, जो पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि लीप ईयर में कौन कौन से मंथ इक्वल होते हैं, सामान्य ईयर में कौन कौन से मंथ इक्वल होते हैं, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दो तीन क्वेश्चन हम लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन चाहें सॉल्व कर। तो देखिए इस टाइप का जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है वो ये है कि 26 जनवरी 2020 को सोमवार था, ठीक, तो 26 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा? डेट सेम है और ईयर भी सेम है, तो ईयर में हमको ये चेक करना है कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो 2020 ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो 26 अप्रैल देखो, जनवरी का कोड देखिए आप, लीप ईयर में 0 है, ठीक, जनवरी का कोड 0 है तो अप्रैल का कोड क्या है, वो भी 0 है। तो अगर 26 जनवरी को सोमवार था, मंडे था, तो 26 अप्रैल को क्या होना चाहिए, 2020 को क्या होना चाहिए, सोमवार। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधा सीधा पूछे जाते हैं और हम लोग क्या है उल्टा सीधे का सलूशन करते रहते हैं और आंसर भी नहीं आता, ठीक। अब इसी में एक और टाइप देखते हैं, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि सामान्य वर्ष में जनवरी 18वां दिन है, जनवरी 18वां दिन है, तारीख सोमवार है, तो 10वें माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए जनवरी, देखिए जनवरी, जनवरी सामान्य वर्ष की बात करा, जनवरी कोड 1 और 10वां महीना कौन सा होता है, अक्टूबर, अक्टूबर का भी कोड 1, तो दोनों मंथ क्या हो गए, सेम हो गए। आप देखिए तो जनवरी, जनवरी 18 को आपका सोमवार है, ठीक, कोई डाउट? तो अक्टूबर 18 को क्या होगा, सोमवार होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 अक्टूबर 18 को क्या होगा, सोमवार होगा, बिल्कुल क्लियर है। जनवरी 18 को सोमवार था और जनवरी का जो मंथ कोड है अक्टूबर के मंथ कोड के इक्वल है, तो अक्टूबर 18 को भी सोमवार ही आएगा। अभी हमें कितनी चाहिए, 27 डेज, तो 18 में 7 ऐड करो, 1 वीक, सीधा सीधा 1 वीक, तो जो भी डेट आएगी उसमें कौन सा दिन आना चाहिए, सोमवार, क्योंकि एक एक हफ्ते में सेम डेट सेम डे रिपीट होगा ना, ठीक। तो ये 25 को क्या था, सोमवार था, अभी कितने दिन इसमें बचे 27 में, 2 डेज, तो प्लस 2 ऐड कर दो, सोमवार में 2 दिन और मंडे में 2 दिन और ऐड हो गए, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो यानी कि आपका 27 का क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार आपका आंसर हो जाएगा, है ना, इजी, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना आपको, क्वेश्चन दिए हैं, आप देखिए जनवरी है, चेक कर दीजिए जनवरी कोड किसके महीने कोड है, अक्टूबर के कोड के इक्वल है, पूछ भी अक्टूबर का रहा है, 10वें माह का, 10वें महीना कौन सा होता है, अक्टूबर, तो अगर 18 जनवरी को आपका सोमवार था तो 18 अक्टूबर को भी सोमवार होगा, ठीक। अब 18 से एक हफ्ता इसमें और जोड़ दें तो भी सोमवार आएगा, अब करीब पहुंच गए हम, 27 से 25 आ गए, 2 दिन बचे, तो सोमवार में 2 दिन और बढ़ा दीजिए तो आपका आ जाएगा बुधवार। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, यदि 4 अप्रैल को मंगलवार है तो 22 जुलाई को कौन सा दिन होगा,
ठीक। तो एक क्वेश्चन के कई सारे मेथड होते हैं। 4 अप्रैल को आपका है क्या, 4 अप्रैल को मंगलवार है, तो क्या 4 जुलाई को मंगलवार होगा? ठीक, 4 जुलाई को मंगलवार होगा। अब हमें क्या चाहिए, 22 जुलाई, तो 4 में 7 ऐड करेंगे तो भी मंगलवार आएगा, 7 और ऐड करेंगे तो भी मंगलवार आएगा, क्योंकि हम वीक ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो कितने दिन हो गए, 7 7 14 और 14 प्लस 4 18, ठीक 18 डेज हो गए, यानी कि ये क्या आया आपका 28 जुलाई, 28 जुलाई को मंगलवार है, नहीं सॉरी 18 जुलाई। ठीक, और 18 जुलाई में हमें 4 और ऐड करना है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो 4 और ऐड कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 22 जुलाई, और 22 जुलाई को क्या आएगा, शनिवार। भाई मंगलवार में 4 डेज और ऐड कर दीजिए, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो ये आपका हो गया 22 जुलाई को कौन सा दिन होगा। ठीक, बहुत सिंपल है, अप्रैल का कोड हमारा मैच कर रहा है किससे, जुलाई से, जो कि जुलाई पूछ रहा है, तो 4 अप्रैल को मंगलवार है तो 4 जुलाई को भी मंगलवार होगा। अब 4 जुलाई को मंगलवार है तो इसमें 2 सप्ताह ऐड कर दीजिए, तो 18 हो गया, 18 जुलाई को भी मंगलवार, क्योंकि सप्ताह है ना, दिन रिपीट होगा, और इसमें 4 और ऐड कर दीजिए, मंगलवार में 4 दिन बढ़ा दीजिए, शनिवार आ गया, है ना बिल्कुल इजी। अगर आपको इनके कोड याद रखने की झंझट है तो दूसरा मेथड है, जो कि बहुत सिंपल है, पूछ रहा था 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को मंगलवार था, तो 22 जुलाई को पूछ रहा था कौन सा दिन होगा 22 जुलाई को। ठीक, तो बेसिक मेथड है, बेसिक। देखो अप्रैल में कितने डेज बचे, 4 डेज हो गए, तो 26 बचे, 30 डेज होते हैं, फिर मार्च अप्रैल, ठीक, तो ऐसे काउंट करना आप जानते होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, मई में कितने हुए 31 डेज, फिर जून में 30 डेज, और जुलाई में कितने दिन हो गए 22 डेज। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इतने दिन है, इस सबको हमें 7 से डिवाइड करना है, या आप टोटल को भी 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो 7 3 21, क्या बचा इसमें 5 बचा, 7 4 28 3 बचा, रिमाइंडर शेष जो बचा उसको लिखते जाना है, 7 4 28 2 बचा, 7 3 21 1 बचा, अब जो आया उसको भी 10 से करें, 7 से डिवाइड, तो 5 3 8 8 9 10 और 11 11 अपॉन 7 कैंसिल, क्या बचेगा इसमें हमारा 4 बचा, तो अब ये मंगलवार, 4 अप्रैल को मंगलवार था, ये शेष आया हमारा 4, तो मंगलवार में क्या ऐड करना है 4 प्लस कर दीजिए। ठीक, जो डे दिए था उसमें जो शेष आया उसमें हमें डे में आप ऐड कर दीजिए, तो मंगलवार में 4 दिन और बढ़ जाएंगे, तो क्या आएगा वही आंसर जो हमारा आया था शनिवार, वही का वही आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये बेसिक था जिसमें आपको ये कोड ध्यान नहीं रखने और वो कोड से था, तो जो मेथड आपको पसंद आया है उसको आप करें आराम से। ठीक, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।